हरिओम। रोज ही आशीर्वाद तो होता ही है कि आपके पूरे पूरे परिवार को भगवान जी के आशीर्वाद मिल रहे हैं। ज़्यादा भगवान का पत्र है, लेटर है, तुम्हारा प्रेम और विश्वास है तो पक्का फायदे ही फायदे हैं। 1000 वर्ड की श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा वानम लभते ज्ञानम। उसको ही ज्ञान लगेगा, चाहे गुरु मार दे, फेंक दे, मेरी श्रद्धा ना जाए, मैं वो सब चीज़ें क्रॉस करके आपके तक पहुंची हूँ, सब परीक्षाओं से पास हुई हूँ तो इधर पहुंची हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहुंचती। मुझे भी नहीं पता है कि वो परीक्षाएं थी, बाद में गुरु ही बताएगा ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम पास हो गई। हर परीक्षा में हम पास होते जाएं, जैसे ही हायर स्टडी करोगे हायर परीक्षा आएगी। छोटे बच्चे रहोगे खाली इतने तक तो छोटी परीक्षा ही आती रहेगी, उसमें भी फेल हो जाएंगे प्यारे बच्चों हम। ये बहुत ऊंची क्लास है, किंगडम ऑफ गॉड है, नो वन कैन एंटर इन दिस। अपने को भाग्यशाली समझिए कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने हमें अपनाया हुआ है। दो लोगों को नई मोटर मिली, एक जल्दी जल्दी मोटर चलाकर जाकर तोड़कर आया, दूसरे ने धीरे संभाल कर मोटर चलाई तो उसकी मोटर बरसों तक चली। इसी प्रकार ये मनुष्य देही मोटर मिली है, अज्ञानी इसे जल्दी जल्दी भोगों विषय विकारों में ले जाकर खराब करता है। रोज़ देखो अपने को, जानो। मैंने कल दिया था रात को सोने से पहले, हम किस किस के लिए नफरत है दिल में। कोरोना नहीं जाएगा अगर हमारे दिल में नफरत है दुश्मन के लिए भी। पहले ज्ञानी का कोई दुश्मन नहीं है, भले मेरी सारी दुनिया दुश्मन हो, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ, तभी तो मुझे मोक्ष मिलेगा। एक भी अगर मेरी आंखों के सामने आता है तो मैं अधिकारी नहीं हूँ निर्वाण पद की, जहाँ मैं पहुँचाई गई हूँ इस बार। बंद करिए आंखें, अभी अभी करिए मेरे साथ, देखिए कौन कौन है आपकी आंखों के सामने, शर्म आ जाएगी। ये हम ज्ञान सुन रहे हैं, 1.5 साल से तो चैनल पे भी सुन रहे हो, आप ही को गुस्सा आएगा प्यारे बच्चों। राज ही निकाल दो, उनसे माफियाँ ले लो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमको कोरोना के कारण हॉस्पिटल्स में नहीं जाना है, नफरत नहीं भरनी है। हार्ट पे अटैक करता है कोरोना, हार्ट ही गंदा हो गया है हमारा, मुंह गंदा हो गया है और अंदर गंदगी कितनी हो गई कि क्या टेस्ट हो रहे हैं। कभी सुना था ऐसा, देखा था, ऐसे हम बन चुके हैं। आई सी लेडीज ऑन द वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, स्टिक भी पकड़ी है डंडा, मुँह में मास्क है, आँखों में कोई प्रेम नहीं है। आई फाइंड देम डेकॉइट्स, वी हैव बिकम डेकॉइट्स। वो डॉग्स के लिए है, डंडा रखती हैं कि डॉग्स नहीं आए, बट दे लुक, उनकी पर्सनैलिटी देखो तो अच्छी नहीं लगती है। वो माता का स्वरूप, सीता, राधा, अल्या, अनसुईया, मंदोदरी, कुंती, सुभद्रा, ये हमारे रूप हैं। और हम क्या बन गए हैं, कैपरी वैपरी पहन के क्या बन गए हैं। देखिए ये सब मैं देखती हूँ सुबह में, हमें तो गुरु ने एक ही चोला पहना दिया अपना स्वरूप बना के, दैट्स ऑल। ज्ञानी इस मनुष्य देह को संभाल कर चलाता है, ख्याल आत्मा का करता है, इसलिए उसका शरीर भी अच्छा रहता है, मन भी शांत रहता है। इस मनुष्य देह से वह भगवान को पाता है, ये उनका पत्र है दादा भगवान का, कि पूरा पूरा विश्वास और प्रेम पक्का फायदे ही फायदे हैं। अज्ञानी लोभ के कारण जो मनुष्य देह पाई है वह भी गंवा देता है, सारे श्वास किस में गंवाता है, वो दूसरा ही देखना, और इधर है सिर्फ अपने को देखना। 3 फिंगर्स हमें दिखती हैं अपनी तरफ, 1 फिंगर किसी की ओर उठाते हैं तो युधिष्ठिर बोलता है, तो निकले थे दोनों जने रजिस्टर लेकर, दुर्योधन और युधिष्ठिर। दुर्योधन बोलता है मेरे सिवा सारी दुनिया बुरी है, और युधिष्ठिर बोलता है नहीं, सारी दुनिया अच्छी है मेरे सिवा, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसे बुरा कोई नहीं। लिख डालिए ये वचन भगवान के किचन में, जहाँ ज़्यादा समय व्यतीत करते हो। कब तक, कैसे कैसे वचन है ये, मरने से पहले मर जाओ, गुजर जाएगा ये समय भी, गुजर जाएगा, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ। भगवान जी देख रहे होंगे मेरे बच्चे कैसे वचन लगा रहे हैं, कोई झगड़ा हो रहा है ये भी गुजर जाएगा, मैं तो नहीं करूँ ना, मैं ज्ञान सुन रही हूँ, आपको सजा है, दूसरे को नहीं है, आपको सुजाग किया जा रहा है।
दूसरा भी अगर सुन रहा है तो और भी सुजागी से लेना देना करिए। लेना देना आनंद का हो बाकी सब छोड़ दो, जीवन ये आनंद भरा है बाकी सब छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, ये नहीं दोनों जने लेना देना कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा हो गया, नो। ये भजन भी बड़ा प्यारा है, कभी सुनाएंगे आपको। क्या क्या सुनाएं, समय की बहुत पाबंदी होती है, इतना लंबा लंबा ज्ञान क्या सुनोगे। आज का समय है अपने को फिट रखना है, प्रेम से ज्ञान से। खाली योगा ये इम्यूनिटी सिस्टम ये नहीं है, आत्मा की इम्यूनिटी से आगे सब हार जाए, कौन वैक्सीनेशन, कौन ये सब हार जाएगा। प्यार करिए प्यारो, हमारे भगवान जी के पास क्या था, सिर्फ प्यार। कितनों के घर के जाले उतारे हुए, मुझे सब पता है, खुद लगे हुए हैं, सुझागियाँ दी थी। एक माता संडे को नहीं आ सकती थी, भगवान जी ने बोला अरे 50 रुपये ड्राइवर को ज़्यादा दो, वो कार लेके रोज़ आती थी, संडे को छुट्टी था, 50 रुपये ज़्यादा दो, तुम क्यों मिस करती हो। ऐसे ऐसे सुझागियाँ दी हुई हैं घर के लिए बाहर के लिए, कहाँ से इतना प्यारा भगवान और हम ऐसे रह जाएं। आप दूसरों को दीजिए, जब खुद करोगे तो दूसरों को भी देंगे। हमने खुद करवाया होगा भगवान जी ने और आपको दे रहे हैं और आपको लग रहा है, तो इट मीन्स हमने हम वैसा कर रहे हैं ना। ज्ञानी को सारी दुनिया आजमाएगी परीक्षा लेगी, ज्ञानी खुशी से परीक्षा देता है, खुद परीक्षा लेने वाले को भगवान समझता है। कि किसी को भी कम ज़्यादा नहीं समझना, सब में साईं बस रहा है, कम ज़्यादा किसी को क्यों समझते हो। सब में अपना आप देखता है, सर्व के लिए आत्म दृष्टि प्रेम दृष्टि रहती है, घर में मौन रहता है, कोई भी अज्ञान की बात फिजूल की बकबक नहीं करता है, अपनी इज्जत कराता है, डोरमैट नहीं बनता है। 10 बारी कोई पूछे एक बारी बोलो, मास्क रख के भी हम बकबक करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी। शांत हो जाइए, सूक्ष्म अपनी एस्ट्रल बॉडी को मजबूत करिए, सूक्ष्म शरीर को मजबूत करिए, वो ज्ञान से होगी ना कि बाहर की इम्यूनिटी सिस्टम से। ऑक्सीमीटर एंड ऑक्सीजन लेवल ये वो हम तो नहीं यूज़ करते हैं इतना, हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे सामने जो भी आए, मेरा प्यार निकलता है या क्या निकलता है, मन को नोट करते हैं। कोई बिना पूछे भी आया है, जान अभी तो कोई आता भी नहीं, बट हमारे पास आते हैं, बीमारी लेके आते हैं। एक शब्द बोलकर किसी को दुश्मन बना सकते हो, एक अक्षर बोलकर किसी को दोस्त बना सकते हो, तो ऐसा अक्षर बोलो कि अगले में भगवान का प्रेम पैदा हो। आपको कोई ऐसे देखे, वाह देयर, वहाँ रथी हैं, भगवान के ऊपर से आए हैं। हम भी वैसे लोगों जैसे तो फिर हमारे गुरु जी का करना, भगवान जी का भगत बनना बेकार है। मैं तो बोलती हूँ मेरी परीक्षा कोई ये भी ले, तलवार रखे गर्दन पर और मेरे मुंह से निकले आपके हाथ को तो नहीं लगी ना, तब समझू मैं ग्रेट हूँ। मैं भी तलवार लेके मारने को लगी तो देन क्या, बड़े बड़े लोग संतों की बातें सुनिए, पढ़िए सुनिए। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया और आयुर्वेद में नंबर टॉप का माना गया है, क्यों? आज भी हम जैसे लोग सारे होंगे, आप जितने सुन रहे हो, क्या नहीं बन सकता है दोबारा से? हाथ सबने कस लिए, भगवान जी ने बोला इस हाथ से दे दूसरे हाथ से पता नहीं चले। आपको बताऊं बिल गेट का पहली बारी दान कब दिया था, जो सबसे बड़ा चैरिटेबल वाला है, अभी तो पता नहीं क्या क्या बातें भी हो रही हैं, लेकिन उसने, उसको अपच रहता था, इंटरस्टाइन्स में कुछ पचता नहीं था। एक इंडियन सेंट, पता चला कि इंडियन लोग बहुत रिच हैं, इनके अंदर से रिचनेस है, बाहर पैसा नहीं होगा, उनके पास आयुर्वेद भी है, नेचर क्योर भी है, सब कुछ है। एक सेंट को उसने बुलवाया और उसने बोला खाली दान देना शुरू कर दे, बोलता है खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये क्या बोल रहा है। तब से बिल गेट ने फिर किसी से बात करी, उसने बोला नहीं, इंडियन सेंट्स जो हैं इनके पास बहुत कुछ है तो इसकी बात को मान ले। तब से उसने पहली बारी दान देना शुरू करा, धीरे 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 ठीक हो गया। हमारे भगवान जी ने बोला हमें अहंकार नहीं आ जाए, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं एक पैसा भी किसी को नहीं देना, क्योंकि अहंकार आ जाता है। हम ऐसे दे भगवान तेरा दिता खामदा, तूने दिया है आगे तेरी उससे कर रहा हूँ, कोई अहंकार नहीं आएगा। उनकी बात को गलत समझ लिया गया, व्यर्थ बोलकर फिर पछताना पड़ेगा। हर एक खराब बात पर कंट्रोल करो, मोटर कैसी भी अच्छी हो पर यदि उसमें ब्रेक ना हो तो काम की नहीं होगी।
ऐसे इसके लिए खिचड़ी मुद्रा बहुत बढ़िया है प्यारो। खिचड़ी मुद्रा है, जीभ को पीछे लगाए रखो, बहुत अच्छी लगेगी। इससे आत्मा से जुड़े रहते हैं, नीचे जीभ को लाओगे तभी बोलोगे ना। ऐसी वैराग्य रूपी ब्रेक जरूरी है, दूसरी ब्रेक नहीं, वैराग्य रूपी। समझिए इन चीज़ों को, बड़ा महान बनिए, बोध को प्राप्त हो जाइए। आए हैं ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास, बातें करते हैं नर्सरी के बच्चे के जैसे कोई मंत्रधारी गुरु के हैं। हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, मैं ना। मन माया की तरफ दौड़ता रहता है, मन पर कंट्रोल जरूरी है, इसे भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। चुप हो जाइए, कमरे में चला जाइए। जैसे ही मन पे कंट्रोल नहीं होता, बंद हो जाइए कमरे में। मन को मारो नहीं पर मोड़ो। जैसे बच्चा किसी बात पर जिद लगाकर बैठता है तो उसका मन दूसरी तरफ दौड़ाते हैं कि कौवा देखो, मोटर में घूमने चलते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह मन माया की ओर जाए तो मोड़ कर ज्ञान की बातों में लगाओ, भजन में लगाओ। अज्ञान के कारण सब दुनिया में दुखी हैं, ज्ञान से घर स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि मन में स्वर्ग और शांति है तो जहाँ तहाँ मज़ा आ रहा है। जो कुछ भगवान ने दिया है उसके लिए मेहरबानी मानो, जो भी दिया है वह उसी का ही समझो। किसी समय भी लेने आए तो खुशी से अमानत देना, तभी तुम ईमानदार हुए। शरीर के संबंधियों की बात और चिंता नहीं करो, सब भगवान पर रखो। अच्छा और इंसाफ हो रहा है। दुख आए तो सुख सब आंखों पर रखो कि ये भी भगवान की सौगात है। मांगो कुछ भी नहीं, क्या मांगो कुछ स्थिर नहीं, सब भगवान आपे ही कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ये निश्चय करो। अहंकार से हर वक्त बचो। जहाँ शरीर की मैं करो तो एकदम शर्म आनी चाहिए कि मैं हूँ कहाँ, है ही भगवान। सो प्यारे बच्चों, कर लो, मज़ा आ जाएगा। जियो ऐसे छोटी छोटे दायरे में मत रहिए जो मैंने बीच में बोला है, ठीक है। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से। हरिओम, गॉड ब्लेस।